हरे कृष्ण। प्रार्थना के साथ चालू करेंगे। ओम अज्ञानति निरन्तस्य ज्ञानञ्जन शलाकया जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं देवे। तो हरे कृष्ण। तो ज्योतिष के कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज ये तीसरा क्लास है और इसके पहले हमने जो देखा वो कॉस्मोलॉजी से ज़्यादा रिलेटेड था। कैसे कैसे कौन से जगह में कौन कौन से ग्रह होते हैं, तारे नक्षत्र कहाँ पे स्थित है और वहाँ से स्थित होकर वो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो आज से बेसिकली हम लोग फोर एस्ट्रोलॉजी में डिस्कस करेंगे और देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है ज्योतिष शास्त्र का बोलते हैं तिथि। ऐसा बोला जाता है सब कुछ तिथि से ही चालू होता है ज्योतिष में। आप देखेंगे कि हम लोग जनरली जो कैलेंडर फॉलो करते हैं वो इंग्लिश कैलेंडर, ये जैसे 1 से 30 तक जो चलता है, लेकिन ज्योतिष में जो तिथियाँ होती है वो थोड़ा अलग चलती है। वो ग्रहों के आपस में मिलाप के कारण चलती है, किसका कितना डिस्टेंस है उसके कारण चलती है। तो तिथि के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आगे चल के तिथि के ऊपर से ही बहुत कुछ डिसाइड होता है। जितने भी मुहूर्त ये सब होते हैं, पंचांग देखना होता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ज्योतिष जनरली दो भाग होता है ज्योतिष का। एस्ट्रोलॉजी है इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है गणित ज्योतिष, और दूसरा जो होता है वो होता है फलित ज्योतिष। दोनों में अंतर क्या है? गणित ज्योतिष जो है वो हमें जनरली कैलकुलेशन से सब सिखाते हैं, तिथि पंचांग देखना मुहूर्त निकालना ये सब चीज़ें के बारे में ज़्यादा फोकस करती है। जो फलित ज्योतिष होती है वो प्रेडिक्शन करना, हॉरोस्कोप देखना, कुंडली मिलान करना, उन सब चीज़ों से ज़्यादा ये करती है। दोनों ही ज्योतिष का पार्ट है, लेकिन दोनों अलग अलग नाम दिया गया। दोनों एक दूसरे से लिंक है, ऐसा नहीं कि दोनों इंडिपेंडेंट है। इसके आधार पर ये होता है और इसके आधार पर ये होता है, दोनों एक दूसरे से लिंक है। फलित ज्योतिष मतलब आप जो प्रेडिक्शन करते हो, किसी का कुंडली देख के उसके जीवन के बारे में बताते हो, या मेदिनी ज्योतिष होता है जो जो प्रकृति में क्या क्या हो रहा है पूरे दुनिया में उसके बारे में बताना। तो ऐसे फलित ज्योतिष के भी आगे चल के बहुत सारे पार्ट हैं। और गणित ज्योतिष में कैलकुलेशन बेस्ड, जैसे तारे जैसे सूर्य कितना स्पीड से घूम रहा है, आज कौन सा तिथि पड़ेगा, ये सब चीज़ जो कैलकुलेशन जो भी चीज़ होते हैं, वार नक्षत्र ये सब चीज़ का जो होता है, एक्चुअली गणित ज्योतिष ही फलित ज्योतिष का आधार है, ऐसा मान सकते हैं। फलित ज्योतिष का हम चार्ट देख के निकालते हैं, हॉरोस्कोप चार्ट देख के करते हैं, लेकिन हॉरोस्कोप चार्ट बनाने के लिए हमको गणित ज्योतिष चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे ना कौन सा ग्रह कौन से राशि में। तो ऐसा है, तो इसीलिए ये फाउंडेशन है कोई भी ज्योतिष का, ये फाउंडेशन है गणित ज्योतिष। तो इसी में हम लोग आज इसका एक पार्ट होता है तिथि, तिथि के बारे में देखेंगे आज डिस्कस करेंगे। तो तिथि क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा घूम रहे हैं आपस में। हमने देखा था कि जो सूर्य है और चंद्रमा है, चंद्रमा तेजी से पीछे की तरफ जाता है, यानी कि राशि चक्र में चंद्रमा तेजी से चलता है और सूर्य धीरे धीरे चलता है ना।
क्योंकि चंद्रमा 13 डिग्री पीछे हो जाता है और सूर्य 1 डिग्री पीछे हो जाता है, यानी कि दोनों के बीच में एक 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 चक्कर लगा के आने में कितना हो जाता है, 12 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है मोटा मोटी। तो जो तिथि जो होता है ये सब कुछ के लिए हमारा राशि चक्र है, यहाँ पे सूर्य है और चंद्र है दोनों, ठीक है। दोनों राशि चक्र में चलना चालू किए तो कुछ देर बाद चंद्र इससे आगे चलने लगेगा, ऐसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। जब ये 0 से लेके 12 डिग्री तक डिस्टेंस बढ़ता है तब ये प्रथमा तिथि होती है। जब और 12 डिग्री से ज़्यादा हो जाते हैं, 24 डिग्री तक डिस्टेंस होता है तो वो द्वितीय तिथि मानते हैं, 36 डिग्री तक डिस्टेंस होता है तो तृतीय तिथि मानते हैं, क्योंकि चंद्र हमेशा सूर्य से तेजी से चल रहा है, समझ गए। तो डिस्टेंस बढ़ते जाता है, ये टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री से 30 से डिवाइड करेंगे, 30 दिन का महीना होता है हमारा लगभग, तो कितना आएगा 12 डिग्री, यानी कि 12 डिग्री का एक तिथि होता है। यानी कि जब चंद्रमा सूर्य एक साथ थे, यानी कि जब एक साथ थे मतलब उस दिन अमावस्या था, अमावस्या के दिन से जैसे चालू हुआ तो प्रथमा तिथि चालू हो गया, अमावस्या के दिन से चालू हुआ, जैसे ही 12 डिग्री पूरा हुआ उसके बाद से द्वितीय तिथि चालू हो गया, फिर चलते गया जैसे 24 डिग्री पूरा हुआ तो तृतीय तिथि चालू हो गया, तो ऐसे कर करके तिथि चालू हो जाता है। और पूरा जब एक महीना पूर के वापस जब आता है तो पूरा प्रथमा द्वितीय अमावस्या, फिर पूर्णिमा, फिर से अमावस्या, ऐसे करके 30 दिन में महीना पूरा करके फिर से दोनों सांस में आ जाते हैं, तो इसको तिथि बोलते हैं। सूर्य चंद्र के बीच का डिस्टेंस, हाँ बीच का डिस्टेंस। तो अगर इसको फार्मूला में हम लोग रखना चाहें मान लीजिए, तो हम लोग लिख सकते हैं जो चंद्रमा जो है सोम लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, माइनस सोम हुआ और ये हो गया सूर्य, सूर्य क्या अक्षांश होगा, डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो जो आएगा वो हमारा तिथि होगा, ऐसे लिखेंगे तिथि, तिथि बराबर सोम का अक्षांश माइनस सूर्य का अक्षांश बाई 12। क्यों, मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा, मान लीजिए यहाँ पे है 40 डिग्री पे चंद्रमा, ठीक है, यहाँ पे चंद्रमा है वो है 40 डिग्री पे और सूर्य जो है मान लीजिए 2 डिग्री पे, ठीक है, तो कौन सा तिथि चल रहा है कोई पूछेगा, तो देखिए 40 में से सूर्य जो चंद्रमा का अक्षांश है उसको सूर्य का घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, इसको डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो कितना आएगा 38/12, तो जो भागा देंगे तो 2 point something आएगा, ठीक है, यानी कि सिर्फ जो कोसाइन पार्ट है वो लेंगे 3 point पूछेगा, ठीक है, तो जो 3 point पूछेगा इसका मतलब तीसरा तिथि बीत चुका है और चौथा अभी चल रहा है, समझ रहे, जितना कोसाइन आएगा उसमें से एक जोड़ेंगे वही तिथि अभी चल रहा है, ठीक, मतलब 36 के आगे चल रहा है, हाँ 36 के आगे चल रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 36 के आगे चल रहा है मतलब वो तृतीय तिथि चलेगा, सूर्य पे भी डिपेंड करता है, सूर्य मान लीजिए 24 डिग्री पे है ये 36 डिग्री पे है तो प्रथमा तिथि भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, हाँ ये फार्मूला का यूज करेंगे तो आपका ये निकल जाएगा। तो ऐसे करके टोटल 2 पक्ष होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर होता है शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष होता है और एक होता है शुक्ल पक्ष, तो जो कृष्ण पक्ष जो होता है उसे पहला तिथि को प्रथमा बोलते हैं या प्रतिपदा बोलते हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी
त्रयोदशी चतुर्दशी और ये कृष्ण पक्ष है तो लास्ट में क्या आएगा अमावस्या। फिर अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में फिर से प्रथमा चालू होगा, ये इसको प्रतिपदा भी बोलते हैं। और फिर इसी तरह 15 दिन तक चलेगा, 15वां दिन क्या आएगा पूर्णिमा आएगा। ठीक है, तो देखिए तिथि बराबर होता है मून लॉन्गिट्यूड माइनस सन लॉन्गिट्यूड डिवाइडेड बाय 12, जो बताया मैंने वो जो वैल्यू आएगा उसमें एक जोड़ेंगे तो वही तिथि चल रहा है। जीरो टू 30 यानी कि आप जो जो ये भागा दोगे 12 से इसका जो कोसेंट आएगा ना हमेशा 0 से 30 के बीच में ही आएगा, हाँ उसके आगे नहीं आएगा, क्योंकि टोटल 360 डिग्री है। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस भी रहे 360 में 12 से भागा दोगे तो कितना आएगा 12 36 30, 30 से ज़्यादा कभी जाएगा नहीं है ना, तो ये हमेशा 0 से 30 के बीच में है। अगर 0 से 30 के बीच में नहीं आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है तो उनकी कैलकुलेशन में कहीं गलती की। 12 से क्योंकि टोटल 30 दिन होता है ना महीने में, 30 तिथियाँ होती है महीने में, तो टोटल और 360 डिग्री होता है, पता है ना काल चक्र जो भी राशि चक्र है, तो 360 को अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, यानी कि 12 डिग्री का एक तिथि होना चाहिए, समझे। तो उल्टा कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं, तो इसलिए ऐसा एक ये लिया गया कि हर 12 डिग्री में एक एक तिथि का डिवीजन लिया गया। तो इस पर थोड़ा एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं तो अभी और भी क्लियर होगा आप लोग का। ठीक है, एक क्वेश्चन है, सब लोग कॉपी में लिख के सॉल्व करें तब समझ पाएंगे। जो चंद्रमा है यानी कि मून जेमिनी में 24 डिग्री 12 मिनट ऐसे, और जो सन जो है स्कॉर्पियो में 17 डिग्री कौन सा तिथि चल रहा है बताना। देखिए जल्दी कहते हैं एरीज, तो मैं इंग्लिश नाम भी लिख रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम राशि का याद होना चाहिए, आपको सुविधा होगा। एरीज होता है, टॉरस होता है, जेमिनी, कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के बाद आता है
हाँ, अगर माइनस में डिफरेंस है तो उसमें 360 जोड़ देते हैं, 360 जोड़ देते हैं उसको, प्लस बनाने के, जो भी घटा के जो माइनस में आ रहा है आंसर में, उस आंसर में 360 जोड़ देते हैं। चंद्रमा को सॉन्ग बोलते हैं ना? देखिए दूसरे का गलती भी हो सकता है, आपको जो आ रहा है वही बनाइए। मान लीजिए समझते जेमिनी में नहीं है, जेमिनी में चंद्रमा यानी कि ये किसे राशि में, जेमिनी में कितना डिग्री पे, 24 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। जेमिनी मतलब कि 60 डिग्री तक आ चुका है, 60 में 24 डिग्री 12 मिनट जोड़िए, ठीक है, उतना उतना इसका लैटिट्यूड निकल के आएगा, लेकिन किस राशि में कितना डिग्री पे है वो दिया हुआ है, तो आपको राशि का लॉन्गिट्यूड लेना पड़ेगा क्योंकि हर राशि ऐसे डिविजन में है ना। तो देखिए यहाँ पे मून का एक्चुअल क्या हो जाएगा, जेमिनी में 24 डिग्री 12 मिनट है, जेमिनी देखिए तीसरा राशि है, 7 डिग्री से चालू होता है, यानी कि 60 डिग्री ऑलरेडी पार कर चुका है, उसके अलावा भी 24 डिग्री जेमिनी में कवर कर चुका है, तो मून का लॉन्गिट्यूड हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 24 डिग्री 12 मिनट, ये हो जाएगा 84 डिग्री 12 मिनट, समझ में आया? अब सन का देखिए यहाँ पे, सन का स्कॉर्पियो में कितना डिग्री पे है, 17 डिग्री 40 मिनट, स्कॉर्पियो देखिए यहाँ पे आता है, स्कॉर्पियो वृश्चिक वो 210 डिग्री से चालू होता है ना, तो यानी कि 210 डिग्री होने के बाद उसमें और कितना ट्रेवल कर चुका है, 17 डिग्री 40 मिनट, ये जोड़ देंगे 227 डिग्री 40 मिनट, ठीक है। स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आया, और स्लो करने के लिए बोल रहा हूँ। अब निकालिए, अभी इतना के बाद आगे का निकालिए, कितना बताए थे एक डिग्री में 60 मिनट होता है, एक डिग्री में 60 मिनट, कौन सा तिथि बताए, तिथि बुधवार है, बुधवार एक्वेरियस मतलब कुंभ राशि, पीसेस मतलब मीन राशि, A-Q-U-A-R-I-M-S पीसेस, P-I-S-C-E-S ये तृतीया किसका है, ये तृतीया निकाले, तृतीया कौन सा मंथ का हो रहा है,
हाँ वही पता चल जाएगा। मंथ मतलब मंथ नहीं, कौन से पक्ष में आएगा वो पता चलेगा। लिख ले सब कुछ। चंद्रमा का कितना लॉन्गिट्यूड? चंद्रमा का एक एपिपोड और एक और चंद्र है। सूर्य का कितना है? 27 degrees 46 minutes 46। यस इसको मारा से देखिए, पहले ये वाला काम करेंगे। अभी देखिए ये छोटा है, ये बड़ा है, तो क्या करते घटाने में घटेगा? बच्चे लोग तो संग मारेंगे। जब भी छोटा रहता है आगे बड़ा होता है ना, तो क्या करते हैं, बड़े में से छोटे घटा देते हैं और उसके आगे माइनस साइन लगा देते हैं। ठीक है, इसको घटाते देखो 27 degrees 46 minutes minus 84 degrees 12 minutes। इसको चार तीन डिग्री 140 degrees 34 minutes आगे में माइनस साइन लगाएंगे। अगर माइनस नहीं लगाए तो गलत हो जाएगा। 143 degrees 34 minutes डिवाइडेड बाई 12। इसको भागा कर दीजिए कितना आएगा? 11.94। ठीक है, 11.94। अच्छा नहीं नहीं एक चीज़ है, इसको अभी ये माइनस में आया ना, डायरेक्ट भागा नहीं दे सकते, माइनस को भागा थोड़ी दे सकते हैं, तो इसको प्लस से बदलना होता है। जब भी ऐसा माइनस में आता है ना, तो उसको 360 जोड़ते हैं उसमें, इसको प्लस बनाने के लिए। अगला स्टेप क्या होगा? माइनस 143 degrees 34 प्लस 360 degrees। यहाँ पे लिख सकते हैं बंगला भी माइनस में निगेटिव है, इसलिए पहले मूल लेंगे। इसको जोड़िए कितना आएगा? 216 degrees कितना है? 66 डिग्री में 60 मिनट होता है ना, तो 60 में से 34 मिनट है, कितना आएगा? 60 में 34 समझ में आया ना? ये समझ में आया? इसको घटाएंगे तो इतना कैसे है? देखिए देखिए घटा के दिखा रहे, 17 अलग मेरे आंसर आ रहा है। 360 degrees है, ठीक है, 360 degrees 0 minutes ठीक, और इसमें से 143 degrees 34 minutes ठीक है। घंटा मिनट में सवाल किया ना, अभी देखिए 0 में से 34 नहीं कटेंगे ना, 0 में इसको 1 से पहचान लेगा इससे, तो 60 मिनट हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? 60 मिनट। और ये हो जाएगा 359 degrees। 60 में से 34 घटेगा 26, तो 26 आएगा ठीक है, और 343 घटेगा 116। अच्छा वो 60 मिनट हो गया, हां 1 डिग्री ले लिया मुझे, हां 1 डिग्री में 60 मिनट होता है ना। 18 के पॉइंट क्यों
तो भागा देगा तो कितना आएगा? 18 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है 18.003 कुछ तो ऐसे आएगा एग्जैक्ट वैसे। यानी कि 18 तिथि पार हो चुका है, 19वां तिथि चल रहा है। तो डिग्री में क्या है? 00 भी आया तो इंग्लिश कितना होगा? हां 18 पार हो चुका है इसका मतलब 18 पॉइंट कुछ है, इसका मतलब 18 पार हो चुका है। तृतीया मतलब शुक्ल पक्ष में तृतीया हो और डिग्री में है ना। ये 26 मिनट है और ये डिग्री है। एक अप्रोक्सीमेट हमको तिथि निकालना है, आपको अगर एग्जैक्ट निकालना है ना तो क्या कर सकते हैं, पूरा को मिनट में बदल दीजिए, इसको 60 से गुना करिए, जितना मिनट आएगा उसमें 26 जोड़ दीजिए, ठीक है, फिर उसको 12 से भाग दीजिए, पूरा मिनट में आएगा। तो वो लंबा हो जाएगा एक्चुअली, एक मोटा मोटी रफ एस्टिमेशन इससे भी निकल जाता है। हाँ निकल है ना, 18 पॉइंट कुछ आ रहा, मतलब 18 तिथि पार हो चुका है, सिर्फ डिग्री को ही भाग देंगे ना, सिर्फ मोटा मोटी निकल जितना है 18 पॉइंट कुछ है। तो अभी देखिए 18 आ गया ना, भाग देने में कैसे भाग देंगे, घंटा एक मिनट में, तो आप पूरा को मिनट में ही ट्रांसलेट कर लीजिए, तो इस घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, उसको पहले मिनट में आ गया फिर उसको घंटा में करना होगा। हाँ फिर लास्ट में ऐसे करें, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, एक और कर सकते हैं मिनट को उसको भी, या तो फिर डिग्री में डाल दीजिए, या फिर हां मिनट को डिग्री में चेंज कर दीजिए, सही है 18.03 सही है ना, मिनट को घंटा में बदल डिग्री में बदलना है तो इसको 60 से भागा दीजिए, 18.43 आएगा, 16.43 अब इसको भागा दीजिए 12 से, हां 12 से आ जाए 18 का जो दिया है उसको कर दीजिए। नहीं अभी देखिए 18 आ गया ना, ये हो गया सबका, हमारा कितना है तिथि 18.003 है, ठीक है। अभी देखिए जो राशि चक्र था ये डिग्री में आया, यहाँ से जो सूर्य और चंद्रमा एक साथ था, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा एक साथ रहता है तो क्या होता है, अमावस्या होता है, और चंद्रमा ठीक सूर्य के अपोजिट रहता है, यहाँ पे चंद्रमा आ गया तो पूर्णिमा होता है, तो यानी जो पहला तिथि जब चालू होता है तो अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ आता है, यानी कि इस पक्ष को क्या बोलेंगे हम लोग, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, और जब इधर से इधर जाएगा तो इसको बोलेंगे कृष्ण पक्ष, पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जा रहा है, महीने का पहला पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, महीने का पहला पक्ष तिथि का पहला तिथि शुक्ल पक्ष से चालू होता है, फिर दूसरा कृष्ण पक्ष में जाके खत्म होता है, ठीक है। तो देखिए हमारा 18 आया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना तिथि चला जाता है, 15 तिथि जा चुका है, समझ रहे, 15, 16, 17, 18 तिथि चल रहा है, यानी कि कृष्ण पक्ष का 15 के बाद देखिए 16, 17, 18 और उसके बाद चल रहा है, तो प्रथमा द्वितीय तिथि यानी कि चतुर्थी तिथि अभी चालू है, तो तिथि बराबर लिखेंगे कृष्ण पक्ष चतुर्थी, समझ में आ रहा है, क्यों कृष्ण पक्ष लिए, क्योंकि इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा, अगर इसका वैल्यू 15 से कम है तो शुक्ल पक्ष चल रहा है, अगर 15 से ज्यादा है तो कृष्ण पक्ष चल रहा है, देखो 15 यानी कि यहाँ पे पूर्णिमा हो गया, ठीक है, कितना वैल्यू 18 है, 15 से गिनो कितना होता है 16, 17, 18, ठीक है, यानी कि प्रथमा द्वितीय तृतीया 18 तक टूट गया,
18 के बाद इसका तिथि चल रहा है, 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। यानी कि अभी जो तिथि चल रहा है वो चतुर्थी तिथि चल रहा है। अच्छा, मतलब 15 दिन के बाद बता दे ना कृष्ण पक्ष पक्ष बता दे। ये मतलब ये पहली बार ही सिखा रहे हैं कैलकुलेशन करना, ठीक है। एक और सवाल करो, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। से बच्चे भी 10 साल के और 50 साल के भी लोग हैं, तो हर स्पीड में चलना होगा। बहुत कोई ऐसे हैं जो ज्योतिष पूरा पढ़े हुए हैं और बहुत कोई ऐसे जो एकदम नया है। इससे मैंने एक चीज जोड़ा नहीं है, इसे आप मंथ भी पता कर सकते हैं। सोलह पॉइंट थ्री सेवन फाइव नहीं आएगा, गलत है।
कमेंट में देखिए आंसर में द्वादशी मतलब होता है बारहवां तिथि। एकादशी के बाद जो बारहवां तिथि को द्वादशी कृष्ण पक्ष दशमी आ रहा है, इसके पहले शुक्ल पक्ष द्वादशी आता है, शुक्ल द्वादशी और कृष्ण पक्ष दशमी तो भाई ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं कृष्ण द्वितीया कृष्ण द्वादशी 16.4 अगर कोई बच्चा सही बता दिया तो फिर आप लोगों को सीधे दे देगा एकदम आसान है। घंटा मिनट का सवाल जैसे करते थे वैसे ही बना लेगा। नहीं वो पता है रियो मतलब कहाँ से कहाँ तक रियो होता है। एक मिनट और रुक जाते हैं। 16.4 बहुत लोग बोल रहे हैं। 16.4 तिथि कौन सा है? तिथि हो जाएगा 16.4 कृष्णा डॉट द्वितीया बोल रहे हैं। कृष्णा का मान द्वितीया मुझे लास्ट में अटक जा रहा हूँ। जोड़ना मुझे मुझे की लगी है ना कृष्ण पक्ष द्वितीया ठीक है देखते हैं यस किसका सही है। मैं भी सोल्व कर लो नहीं आप करते रहिए किसी का है हाँ माइनस में आता देखिए अभी इसका भी क्या साथ में दूसरा प्रतिपदा द्वितीया सब आगे बोला देखिए सब करके देखते हैं मुझे पता नहीं ऐसे क्या ना सब लोग तुक्का मार रहा है इतना ऐसा सही नहीं होगा कोई एक ही सही होगा कितना कल कर मैं देख सके लगभग देखो तिथि बराबर क्या आता है मूल लॉन्गिट्यूड माइनस टैन लॉन्गिट्यूड बाय 12 मूल का कितना है लियो में 14°43' लियो कहाँ तक है लियो मतलब 120 डिग्री पार कर चुका है वो 120 डिग्री प्लस 14 डिग्री 43 मिनट इसमें से क्या घटना है सन का लॉन्गिट्यूड सन के कैप्रिकॉर्न में है कैप्रिकॉर्न मतलब 270 डिग्री पार कर चुका है 270 डिग्री प्लस 43 मिनट ये माइनस में आया होगा मतलब माइनस में नहीं है ये दोनों को जोड़ रहे हैं वाला अच्छा ये वाला हां से आगे भाग गया प्रभु 1 1 1 134 एक एक मिनट क्या माइनस ये कितना आएगा ये 298°। 13 मिनट इन दोनों को अगर जब करेंगे तो आ जाएगा माइनस 163 30 मिनट यहाँ तक आया सबको सही है ना एकदम सही। इसको मोल का लॉन्गिट्यूड माइनस सन लॉन्गिट्यूड बाय 12 मोल का इतना आ गया सन का इतना आ गया 12 से भाग दें
फिर घटाए तो माइनस में इतना आ रहा है, ठीक है? हाँ, आ रहा है इतना? 164 आ रहा है। 164 आ रहा है। 64 नहीं आ रहा, तो ये 13 छोटा है ना, और ये 43 बड़ा है, तो ये इससे एक उधार लेगा, तो ये क्या जाएगा 197 हो जाएगा, और 7 में से 4 जाएगा तो 3 ही आएगा, 163 होगा। 197 कहाँ पर? ये 290। हाँ, क्योंकि देखिए इसमें से इसको घटाना है ना, चलो देखो इसको घटाना है। अब ये देखो 13 मिनट में से 43 मिनट घटेगा, नहीं घटेगा ना, 13 छोटा है, तो क्या करेगा बगल वाले से उधारी लेके आएगा, कितना 1 डिग्री का उधार ले लेगा इसे, 1 डिग्री लेगा मतलब इसके 60 जुटेगा, तो ये क्या हो जाएगा 73 मिनट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 297 डिग्री हो जाएगा ये वाला, और ये इतना हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा 73 में से 43 जाएगा 30 मिनट, और इसमें से आएगा तो 163 डिग्री, 163 डिग्री 30 मिनट भागा 12। ठीक, अभी ये देखिए ये माइनस में है, माइनस में मतलब 360 जोड़ना है इसमें, ऐड करना है 360। कितना आएगा 360 इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 196.5। हाँ ठीक है, 0.5 या 30 मिनट एक ही बात हुआ। हाँ 30 मिनट में 0.5 इसको अभी डिवाइड करोगे 12 तुम 12 360 जोड़ो तो कितना आएगा 16 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है? हां 16 पॉइंट मतलब कृष्ण पक्ष में आएगा, कृष्ण पक्ष ज्यादा है, कृष्ण पक्ष 16 मतलब क्या हो गया, एक तिथि बीत चुका है, हां दूसरा तिथि चल रहा है, कृष्ण पक्ष मिल गया। यस प्रभु, इसका सिर्फ कृष्ण पक्ष तृतीय से है, प्रभु का गलत आंसर आया है, एक से जब भी ये माइनस में है ना, घटाने के बाद अगर माइनस में है तो 360 जोड़ते फिर 12 से डिवाइड करते, इसमें 360 जोड़ेंगे तो 196.8 है, उसे 12 से भाग देंगे तो 16.8 है। इंदौर वाले बच्चों का सबका गलत हुआ है, तो पुट्टा वाले बच्चे खुश रहो, मयूर का सही हुआ है, देखिए प्रभु राजीव कुमार का गलत आ गया, बना सकते हैं एग्जैक्ट आप निकाल सकते हैं 16.5 के लिए कुछ तो नहीं होया, ठीक है, लेकिन हमको पॉइंट्स होता मतलब ऐसे फोन को इससे मतलब है इतना है, 196 को डिवाइड करेंगे, हां 196 को भी करिए तब वो पता चल जाएगा कि कितना तिथि बीत गया, तो द्वितीय तिथि कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, और ज्यादा फर्क नहीं करता, और प्रैक्टिस करना है कि आगे इसमें जो चीज लिखा ऑलरेडी बता दिया आपको, ट्रेडिशनली तिथि इज फ्रॉम सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज, यानी कि देखिए हमारा इंग्लिश कैलेंडर में 12 बजे रात से चालू हो जाता है, अगले 12 बजे फिर से डेट चेंज होता है, लेकिन वैदिक कैलेंडर में एक सनराइज जहाँ पे सूर्य उदय होता है वहाँ से तिथि चालू होता है, और अगले सूर्य उदय तक वही तिथि रहता है, ठीक है, बीच में
चेंज भी हुआ लेकिन तो भी अगले सूर्योदय तक वही तिथि रहा, फिर अगले सूर्योदय में फिर तिथि चेंज हुआ, ऐसा होता है। रवि जी एक पूछ रहे हैं कि 60 डिग्री का क्या करना है, क्यों ऐसा जो है? हाँ इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा, क्यों जो है ये 360 में क्यों जो है देखिए बताते हैं। क्यों ये जो राशि चक्र ने पूरा बोल है एक्चुअली ठीक है, ऐसे हमारा 12 राशि है यहाँ पे 0, 20, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 260, 370, 380, 390, 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
तो मान लीजिए ऐसे हमारा चालू हुआ, सूर्य यहाँ पे था और चंद्र यहाँ पे था, तो हमेशा चंद्र का लॉन्गिट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है, और सूर्य का कम होगा। अब मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है, सूर्य यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, और चंद्र यहाँ पे, ऐसा हो सकता है ना कि इस समय सूर्य इस राशि में था, ठीक, और चंद्र इससे आगे बढ़ के यहाँ तक आ गया। तो अभी क्या होगा कि एक्चुअली में चंद्र आगे है, लेकिन चंद्र का जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है, समझ रहे हैं। सूर्य पीछे है इससे, लेकिन सूर्य का लॉन्गिट्यूड ज़्यादा आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली इसका आना चाहिए था कितना, 30 डिग्री नहीं आना चाहिए, 360+30 होना चाहिए था इसका, समझ रहे हैं। 360 इसका मतलब चंद्र लॉन्गिट्यूड कितना पे, 390 पे है, लेकिन हमने यहाँ पे आके फिर से जीरो कर देते हैं, सर कितना लेते हैं, 30 लेते हैं, इसीलिए वो माइनस में आंसर आता है। तो इस माइनस चीज को हटाने के लिए उसमें 360 जोड़ते हैं, तो वो 360 जोड़ने से क्या पता चलता है कि चंद्रमा जो है ना सूर्य से एक्चुअली में कितना आगे है, समझ रहे, दोनों का डिफरेंस एक्चुअल पता चलता है, इसीलिए 360 जोड़ते हैं। इसमें सूर्य से चंद्रमा ज्यादा स्पीड चलता है, हाँ, चंद्रमा सबसे ज्यादा स्पीड में जो ग्रह चलता है वो चंद्रमा ही, चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, हमारा मन देखो बहुत चंचल होता है ना, सबसे ज्यादा चंचल आदमी का मन होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तेजी से चंद्रमा चलता है, वो सब देखिए ये ऑलरेडी बटा हुआ है ऐसे, 30-30 डिग्री में हर राशि बटा हुआ, ये एरीज हुआ, तो एरीज का घर जो है ना 0 से 30 डिग्री के बीच में जो कुछ भी है सब एरीज का होता है, इसके आगे बोलता है टॉरस मेरा घर है, मेरे रूम में आने के नहीं ऐसे, फिर इधर जेमिनी का आता है, सबका अपना अपना घर बैठा, बोले कि तो भगवान ने सबको घर दिया अपना, वो बोले कि भगवान बोले सेवा है, तो बोले कि पहले घर देना पड़ेगा, हमारा घर चाहिए, आप बैठ के अपना काम कर सकते, तो सबका घर ऐसे 30-30 डिग्री में बांट दिया ऐसा, हाँ। आज का तिथि निकालना है तो एक्चुअली आप लोग जब ज्योतिष पढ़ोगे आगे, एक ऐसा ज्योतिष का ऐसा होना चाहिए कि उसको दिमाग में सब कुछ बैठ होना चाहिए कि सूर्य कौन से ग्रह में कौन से राशि में चल रहा है, चंद्रमा कौन से राशि में चल रहा है ना। अच्छा तो ऐसे अक्सर देख के पता चल जाता है कि सूर्य का जो लॉन्गिट्यूड कितना है, सन का लॉन्गिट्यूड कितना है, पता चल जाता है। लेकिन अभी जैसे आज पंचमी तिथि है, मेरे को पता है, लेकिन हमारा प्रैक्टिस भी नहीं, इसलिए सबको पता नहीं होता है ना। तो कुछ देर पहले पूर्णिमा था, गुरु पूर्णिमा था, पूर्णिमा पार करके अभी पंचमी चल रहा है, तो यानी कि पूर्णिमा पार करके चल रहा है, इसका मतलब कौन सा पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष का पंचमी तिथि है आज का। और सूर्य कौन सा राशि में है, देखिए आज आज का तिथि निकाल देते हैं, सूर्य का राशि है सूर्य, ठीक है, चंद्र जो है मीन राशि में, मीन मतलब होता है पीसेस और कर्क है कैंसर, एग्जैक्ट डिग्री पता नहीं है, एग्जैक्ट डिग्री भी खोज के निकाल सकते हैं, पंचांग रहे ऐसे रहेगा, तो हम कुछ मान लेते हैं कितना पे होगा, मीन में मान लीजिए
ये है ना, तो मान लीजिए ये है मीन में 20 डिग्री है, ठीक है, ये मान लीजिए ये 15 डिग्री है, ठीक, मान लेते हैं सर कुछ भी, पर 15 डिग्री मान लेते हैं, 20 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी कैलकुलेट करते हैं कौन सी तिथि पड़ेगी। तो चंद्रमा का मीन पीसेस मतलब होता है लास्ट वाला राशि, लास्ट वाला यानी कि 330 से 360 के बीच में, ठीक। तो 330 प्लस 15 तो चंद्रमा का हो गया माइनस, कैंसर, कैंसर का होता है चौथी राशि है 90 90 आता है ना, 90 प्लस 20 डिग्री भागा 12 और इसको करेंगे 345 माइनस 110 5 3 2 19.5 यानी कि पंचमी चल रहा है, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19 चार पार कर चुके हैं, तो पंचमा चल रहा है, तो आज पंचमी तिथि, ठीक है। सूर्य आपको आपको पंचांग मिल जाएगा, नहीं तो बहुत सारे ऐप आते हैं, दिक पंचांग ऐप आप देख सकते हो, उसमें सबसे ज्यादा डिटेल में दिया रहता है सब कुछ, तिथि बता देगा हाँ। नहीं एक्चुअली ये सीखना जरूरी नहीं है आजकल, ये चीज़ें आउटडेटेड है, क्योंकि कोई भी आदमी कैलकुलेशन नहीं करता है, सब कुछ अवेलेबल होता है सॉफ्टवेयर में। लेकिन मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि ये जानना जरूरी है, अगर आपका ये नहीं जानोगे तिथि कैलकुलेट कैसे होता है, तो फिर आगे आपको कुछ कुछ चीज़ों में परेशानी होगी। अभी कभी मुझे अभी कभी ये कैलकुलेशन नहीं करूँगा, मुझे पता है, लेकिन तो भी जानने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पहले जो एस्ट्रोलॉजर लोग थे ना, उनके पास ऐप नहीं होता था, सॉफ्टवेयर नहीं होता था, तो वो सारा चीज़ खुद से कैलकुलेट करके निकालते थे। ये कर्क राशि का 20 डिग्री अभी ऐसा है क्या, इतना के आसपास ही होगा कुछ एग्जैक्टली 30 के रेंज में, मैं हाँ 30 के रेंज में भेज करेगा, मैं एक अंदाज से लिया हूँ, अंदाज से लिया हूँ, तो मान लीजिए 20 डिग्री पे है, एक डिग्री पे रहेगा तो उससे वही आएगा, सिंपल आएगा, तो घूमने आएगा ना, दूर नहीं आएगा, पंचमी है, उसके रेंज में है, पंचांग से होता है, हाँ पंचांग से, पूरे अलग अलग के देखते हैं। देखिए सूर्य हमेशा अपना राशि एक महीने में चेंज करता है, जब भी संक्रांति होती है ना तो उसका राशि चेंज हो रहा है, अभी कर्क संक्रांति हुआ था कुछ दिन पहले, अभी फिर कर्क के बाद अगला जो राशि होगा वो सिंह राशि में जाएगा सूर्य, एक महीना बाद ऐसे करते हैं, एक एक महीने में चंद्र का राशि हमेशा 2-2.5 दिन में चेंज होते रहता है। अच्छा आज के दिन में क्या हाँ जी देख सकते हैं, नहीं ऐसा जरूरी नहीं, मान लीजिए ये रहेगा हमारे 5 डिग्री पे मान लीजिए, और ये रहेगा 25 डिग्री पे, तो अलग ऐसा रहता है, गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि अभी तो आगे चला गया ना चंद्र, चंद्र देखो पहले 10 पे 20 पे था, तो आगे चला गया तो तिथि चेंज हो सकता है, हो सकता है वो भी तिथि हो, वैसा भी हो सकता है, क्योंकि तिथि का एक होता है 24 घंटे का उसका रेंज होता है, 24 घंटे लगभग में चेंज होता है तिथि, नहीं भी आ सकता, हो सकता है षष्ठी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, बोल रहे तो कभी दिखा, ठीक है इसमें आते हैं लोग, ठीक है। ये जो सूर्योदय से सूर्योदय तक तिथि होता है, इसमें ज्यादातर लोग यही मानते हैं, लेकिन जो वैष्णव लोग हैं वो ब्रह्म मुहूर्त से तिथि को मानते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है लगभग सूर्योदय के समय से 1.5 घंटा पहले का समय, 96 मिनट्स एग्जैक्टली, दो एक एक मुहूर्त होता है ना 24 मिनट का होता है,
तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जैसे हम लोग सनराइज टू सनराइज लेते हैं ट्रेडिशनली, लेकिन सिर्फ ये जो वैष्णव लोग हैं वो सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त से ब्रह्म मुहूर्त का समय लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय में जो तिथि पड़ता है वही तिथि पूरे दिन भर चलता है, और लोग के लिए जो सूर्योदय के समय जो तिथि पड़ता है वही तिथि पूरे दिन भर चलता है, इतना ही अंतर है। तिथि निकाले मान लीजिए आगे वही है, देखेंगे तिथि कैसे निकलता है किसी दिन का, ठीक है। ये लूनर डे जब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक षष्ठी का समय है, फिर सप्तमी अष्टमी नवमी, और ये सनराइज का समय यहाँ पे सूर्योदय हुआ। यहाँ पे सूर्योदय हुआ, फिर यहाँ पे अगला दिन सूर्योदय हुआ, अगला दिन सूर्योदय यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो सूर्योदय के समय यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा तिथि पड़ा था, सप्तमी, तो ये दिन पूरा सप्तमी हो जाएगा। फिर अगला दिन सूर्योदय के समय अष्टमी पड़ रहा था, तो ये जो दिन होगा पूरा अष्टमी हो जाएगा। यहाँ पे नवमी पड़ा था तो ये अगला दिन नवमी हो जाएगा। सुन आ रहा है, सूर्योदय के समय जो तिथि पड़ेगा वो तिथि से पूरा दिन चलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे सूर्योदय हुआ सप्तमी पड़ गया, सप्तमी का अगर एंडिंग में था लेकिन सूर्योदय के समय सप्तमी पड़ गया तो भी ये पूरा दिन को सप्तमी माना जाएगा, समझ रहे हैं। अगला दिन सूर्योदय में अष्टमी पड़ा तो ये पूरा दिन अष्टमी माना जाएगा। ऐसा नहीं कि 9 बजे तक सप्तमी है उसके बाद का तिथि अष्टमी हो गया, ऐसा नहीं, पूरा दिन को ही सप्तमी माना जाएगा। तो आगे वही आता है, आगे तिथि क्षय आता है, ठीक है। तिथि क्षय क्या होता है, कोई तिथि बहुत छोटा होने से वो तिथि का क्षय ही हो जाता है, वो तिथि खत्म हो जाता है। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे सूर्योदय है, यहाँ पे सूर्योदय है, ये सप्तमी तिथि यहाँ तक चला, ठीक है। तो सूर्योदय के समय सप्तमी तिथि हुआ तो ये क्या हुआ, सप्तमी हो गया। फिर अगला दिन सूर्योदय जब हुआ ना वहाँ पे नवमी पड़ गया, अष्टमी चालू हुआ इस दिन और खत्म भी इसी दिन हो गया, सूर्योदय के समय तक नवमी चालू हो गया था, तो अगला जो हो गया वो क्या हो जाएगा, नवमी हो जाएगा, यानी कि अष्टमी तिथि गायब ही हो गया, समझ रहे। सप्तमी था फिर नवमी हो जाएगा, फिर रामनवमी गायब हो गया, फिर अष्टमी गायब हो गया। तो इस केस में जो अष्टमी को मान लीजिए ऐसा कुछ फेस्टिवल पड़ गया, मान लीजिए राधाष्टमी पड़ गया, तो राधाष्टमी को अगले दिन के इस नवमी के तिथि में ही राधाष्टमी भी मनाते हैं फेस्टिवल के समय, ठीक। हाँ, मैं एक्चुअली ये तिथि निर्णय का जो चीज़ है कुछ लोगों का अलग अलग मानता है, ऐसे कुछ ये नहीं है कि वो ब्रह्म मुहूर्त को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त से ही दिन का शुरुआत मानते हैं वो लोग, अपना जनरल लोग सूर्योदय से ही दिन का शुरुआत मानते हैं, तो इसलिए वो लोग ब्रह्म मुहूर्त से ऐसा लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त जो समय होता है वो बहुत ही अच्छा मुहूर्त होता है, अच्छा समय होता है, तो वो लोग ऐसा कैलकुलेट करते हैं। हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने कुछ दिए हैं तो अष्ट लोग जनरली उसी को फॉलो करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से एकादशी भी हम लोग ब्रह्म मुहूर्त से मान सकते हैं, उससे पहले जैसे 12 बजे रात से देखा सकते हैं। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त से मान लीजिए। तो आगे एकादशी के बारे में देखिए, जैसे तिथि क्षय हुआ ना वैसे अधिक तिथि भी हो सकता है, अधिक तिथि मतलब एक ही तिथि दो दिन तक हो सकता है लगातार। जैसे देखिए यहाँ पे सूर्योदय हुआ, यहाँ पे क्या था, अष्टमी तिथि था, और अष्टमी तिथि चालू हुआ था और अगले दिन का सूर्योदय के समय भी अष्टमी तिथि था, तो अष्टमी तिथि इस दिन भी हो जाएगा और इस दिन भी हो जाएगा, दोनों दिन अष्टमी तिथि चलेगा, ऐसा, ठीक है। हाँ, जैसे यहाँ पे तिथि छह समझे, एक ही तिथि क्या हुआ, गायब हो गया बीच से, ये इस सनराइज इस सनराइज के बीच में ये था, तो इस दिन भी नहीं आया और इस दिन भी नहीं आया, सुबह नौ में। इसी तरह तिथि अधिक हो गया मतलब क्या, सूर्योदय के समय, इस दिन के सूर्योदय के समय भी अष्टमी था और अगला दिन जब सूर्योदय हुआ तो भी अष्टमी था, तो अष्टमी इस दिन भी पड़ गया और इस दिन भी पड़ गया,
तो इसको अधिक तिथि बोलेंगे, यानी कि अष्टमी दो दिन लगातार अष्टमी रहेगा। दो दिन एकादशी भी पड़ता है क्या? दो दिन ठीक है। एकादशी के बारे में कल चर्चा करेंगे, ठीक है? आज समय हो गया है। ये अधिक और क्षय क्यों होता है, मतलब स्पीड कम हो जाता है? हाँ, चंद्रमा का और सूर्य का जो स्पीड है ना, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है। कभी तेजी से जाता है, कभी धीरे से जाता है। सूर्य का स्पीड भी वैरी करते रहता है, उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है, कभी तेजी से चलता है सूर्य, कभी धीरे से चलता है। तो जिसके कारण कोई कोई तिथि जल्दी खत्म होता है, कोई कोई तिथि देर से खत्म होता है। इसी के कारण कभी कभी तिथि छः होता है और तिथि अधिक होता है। हाँ, आगे और भी चर्चा करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए। कल एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।